भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आज सुबह एक भयानक कार एक्सीडेंट के शिकार हो गए। इस कार एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं और इस दौरान उनकी कार जलकर राख हो गई। ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं कि ऋषभ पंत खुद कार की खिड़की तोड़कर बाहर निकले, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब अफवाह है। सच तो ये है कि ऋषभ पंत इस भयानक कार एक्सीडेंट में बेहोश हो गए, जिसके बाद उनकी जान एक बस ड्राइवर ने बचाई। बस ड्राइवर की इंसानियत को सलाम करते हुए आइए जानते हैं कैसे बस ड्राइवर ने बचाई ऋषभ पंत की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इन्फॉर्मर और मैं हूं आपके साथ देवेश श्रीवास्तव। बस ड्राइवर ने बताया, हम हरिद्वार से आ रहे थे, मैं हरियाणा रोडवेज में बस ड्राइवर हूँ। हम 4:25 पर हरिद्वार से चले थे। जैसे ही हम नारसेन के पास पहुँचे, 200 मीटर पहले मैंने देखा कि दिल्ली की तरफ से एक कार 60 या 70 की स्पीड में आई। वो डिवाइडर से टकराकर पलटी खाते हुए हरिद्वार साइड में आ गई। मैंने सोचा अब तो ये हमारी बस से टकराएगी और हमें कोई नहीं बचा सकता, हम मरेंगे। मेरे पास 50 मीटर का फासला था, तभी मैंने सर्विस लेन से निकाल कर फर्स्ट लाइन में बस डाल दी। वो गाड़ी दूसरी लाइन में निकल गई। गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और खिड़की से कूदकर भागा। मैंने देखा वो व्यक्ति कार से आधा बाहर था, मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था। तभी कंडक्टर भी आ गया, हमने उसे बाहर लिटा दिया। हमें लगा कि उसकी मौत हो चुकी है। मैंने देखा कार में आग लगनी शुरू हो गई थी। मैं कार की तरफ गया और देखने लगा कि कोई और तो नहीं। मैंने उससे पूछा, भाई साहब कार के अंदर कोई और भी व्यक्ति है क्या? उन्होंने कहा मैं अकेला ही था। बाद में उन्होंने बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ। बस ड्राइवर ने कहा, क्योंकि मैं क्रिकेट का शौकीन नहीं हूं तो ज्यादा जानता नहीं, लेकिन कंडक्टर ने कहा कि ये भारतीय क्रिकेटर है। हमने उसे साइड में डिवाइडर पर लेटाया, उसके तन पर कपड़े नहीं थे। हमने अपने एक यात्री से लेकर उसे चादर दी। उन्होंने बाद में कहा, मेरे पैसे कार में हैं। हमें आसपास रोड पर जितने भी पैसे बिखरे हुए मिले, उन्हें 7,000 रुपए इकट्ठा करके उनके हाथ में दे दिए। तब वो एम्बुलेंस में बैठे थे। कंडक्टर ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। मैंने पुलिस को और नेशनल हाईवे को फोन किया था, नेशनल हाईवे से कोई जवाब नहीं आया। एम्बुलेंस 15 मिनट बाद आ गई थी। ऋषभ पंत के पूरे चेहरे पर खून था, वो हड़बड़ाए हुए थे और कमर छिली हुई थी, यहाँ तक कि वो पैर से चल भी नहीं पा रहे थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।